यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। I'm sure you've heard this line in your life. These are the only words in which I can describe my incredible teachers. Hello everyone, I'm Mukta of class 11th and today I'm shooting this video to thank my teachers, to express my gratitude towards them wholeheartedly. साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदान सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पन पापन अपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। सही राह को छोड़ कर जो मुझे है, वही देख कर दूसरों को कुड़े है। बिना पंख खोले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके गगन से,
पखेरू बनो तुम, अगर उड़ सको तो पखेरू बनो तुम, व्यवहारता तुम्हारे चरण चूम देंगे। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उसके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर विमुख हो खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेंगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगी। सफलता तुम्हारे चरण सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है, जो
जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो मैं कहूँ और तुम कहो, उम्र चाहे जो भी हो मैं कहूँ और तुम कहो। कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, हमको लिखना है, हमको बढ़ना है। हमको बढ़ना है सदा सानी रे सदा रे सानी रे 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 गरे गरे सानी रे रे गरे सानी प्रोसेस करेगा और हमें देगा आउटपुट। ये काम करता है। इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग गलत होते हैं इसको। सीपीयू ये है हमारा कैबिनेट कंप्यूटर का। सीपीयू तो इसके अंदर छोटा सा एक पार्ट लगा हुआ है। आप इस मदरबोर्ड में देखिए जो स्क्वायर वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर सीपीयू, इतना छोटा सा। फिर उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, इसको फास्ट कर देता है। ये देखिए मदरबोर्ड, ये इस तरीके से जाएगा और जाएगा यहाँ गंगा यहाँ जमुना यहाँ नर्मदा कृष्णा यहाँ
गलवान का यह शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है। गलवान का यह शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है। यह राष्ट्र है, 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 यह राष्ट्र है। सुप्रभात आप सभी को। तो आज हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। My marriage card, please do come in my marriage. Oh yeah, next day. It's my marriage today. Welcome, welcome, welcome. Oh, my dear friends, elephant, giraffe, cat, naughty monkeys, dogs. Oh my God, मेरे सारे friend आए हैं मेरी marriage में. So, मैं आपका दोस्त बलराम सिंह और इनसे मिलिए, ये है लाल मुजक्कर। माय नेम इज लाल मुजक्कर। सारे सवाल मेरे आगे अक्कड़ बक्कड़। ठीक है ठीक है, वैसे इन्हें पहेलियां बुझाने का बहुत शौक है, लेकिन आज हम लोग इनसे भारत देश की राजधानियों को जानने का प्रयास करेंगे। आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने स्काउट का भी कोर्स किया है। अब आपको इनकी पोजीशन बतानी है, तो यू आर गोइंग टू यूज सम वर्ड्स, है ना? अगर हमें पता करना है कि ये जो जिराफ स्माइल। One morning, as her feet went to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Haldi looked up at him. "I'm sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." "My name is Smiley," said the giraffe. "Whenever you see me, you will smile." ये एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में तो वी कैन इजीली क्लासिफाई। has two sides, debit side and credit side, जिस सारे accounts के होते हैं। debit side of the account shows all cash receipt, जितने भी business में हमारे cash receipt हुए हैं पूरे साल, debit side हमारा उसका summary show करता है। and at the same time the credit side of the book shows account shows all the cash payment being made during the year, जितने भी cash and these are the all four hydrogen atoms. So these four hydrogen atoms indicate the valency of carbon is 4. So how can you explain it? What happens? The carbon when comes in the excited state, one electron of the 2s is transferred to 2p. हमारी दुनिया में कहां पर है? तो अब हम दूसरे मैप की तरफ जा रहे हैं। ये है संसार का नक्शा, हमारी प्यारी धरती, जिसमें हमारा भारत देश कहां पर है? तो ये देखे, ये 11 स्टेट में चला गया, उसके बाद 23 गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा उस पोजीशन पे जाएगा जहां पर टॉप होता है। टॉप एक वेरिएबल हम लोग बना के रखते हैं जो कि लास्ट एलिमेंट की पोजीशन बताता रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले 11, 23, माइनस 8, 16, 27, 14 एंड देन 20। अब इसके बाद अब हमने डिलीट करने का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमारा वो एलिमेंट गया जो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ था, देन 27, नाउ 16, और टॉप की पोजीशन भी अकॉर्डिंगली
चेंज होती जा रही है। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर का यूज करेंगे दो इमिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। डिकेंटेशन में भी हमें जो प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो इतने प्योर नहीं मिलते हैं, इसलिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। सिचुएशन वाज गिवन दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज देयर एंड इट इज ब्रॉट नियर द रोल व्हाट दे डू, उनके मोशन को हम कहते हैं दे स्लाइड। इस तरह से जब खिसकती है, खिसकना इज ऑल अवेयर अबाउट प्रोक्रियोटिक जीनोम, दे आर द सिंपलेस्ट, दे आर हैविंग द सिंपलेस्ट जीनोम। हाउ, सिंस दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 80% ऑफ द टोटल कोडिंग डीएनए इन इट्स सिंगल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, सिंगल क्रोमोसोम दैट इज डबल स्ट्रैंड। साक्षात जब आप घर पे करेंगे ना, अगर मान लो आपको घर में भी करके देखना चाहिए अच्छा लगेगा, तो आप इसको पेन से या टेप से चिपका देना। मैं अभी इसको स्टेपलर से कर रही हूँ। Now this card, which is long, now it is round. Water bottle, I will say there is a cap, put the cap on the water bottle. So main water bottle ke upar cap laga dungi, on the water bottle. Similarly aap apne picture mein dekh sakte hain, the ball is on the box, box ke upar ball rakhi hai. The rabbit is on the table, table ke upar hai. Similarly next one is the apple is on the box, किसी भी object के ऊपर आपने कुछ place किया हुआ है, a thing, an object, उसके लिए हम on preposition use करते हैं। Next is जिसमें ऐसे organic compound जिसमें कि chlorine का element attach हो, bromine का element attach हो, iodine का element attach हो, ठीक है? HX is equal to आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड लिमिट इज 0 to 90 दिया है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड हमने अप्लाई किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस। So here the poetic device of metaphor is used by the poet Bright Topaz Denizens. The tigers are like those topaz, like those they are the dwellers. Denizens are dwellers. Denizens means dwellers, those who live in the forest. They are of golden yellow color.
So here, like or as is not used, and it is a comparison also. It is a hidden comparison, and we call it metaphor. We all know. Here we find metaphor. So students, they are. Why is there in Coulomb's law? Why Coulomb had used only one? This is a primary one, that means used only once. So this image shows the internal content of a dry cell. Here you see the outermost layer is made up of a zinc, which acts as an anode. सबसे जो प्राचीनतम लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ध्यान से सुनिए इस बात को, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि कहा गया। और इस लिपि को 1830 तक, 19वीं शताब्दी तक नहीं पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी, वो पहले शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, और इन लिपियों को पढ़कर ही उस वक्त के अभिलेखों में जो कहा गया था, जो लिखा गया था, वो पढ़ने में सफलता प्राप्त की। विद्यालय गोमती नगर लखनऊ सेकेंड शिफ्ट। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ऑल द स्टूडेंट्स वर वरिड अबाउट देयर स्टडीज, स्पेशली वी द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस वर वेरी एंशियस बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस टर्न वी हैव टू सिट इन बोर्ड एग्जाम्स नो मैटर वॉट। छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे होती है, टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे ऑनलाइन क्लास में बहुत मज़ा आता है। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं टीचर से पूछती हूँ, टीचर्स भी हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, और टीचर्स कभी कभी यूट्यूब पे भी मटेरियल भेज देते हैं, हम उन्हें देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस भेजते हैं वो। और अगर हमें समझ में नहीं आता है वो भी हम उनसे पूछते हैं। घरों में कैद हो चुके हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रियजनों से मिल नहीं पा रहे हैं, हम अपने कार्य के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका पूरा प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ रहा है, पर ऑनलाइन क्लास की वजह से हमारी सारी दुविधा दूर हो चुकी है। अब हम प्रतिदिन अपने शिक्षकों से अपनी सहभागिता दर्ज कर पा रहे हैं, और हम इससे हमारी सीखने की गति में कोई रुकावट नहीं आ रही है। शुभ दिन एवं धन्यवाद। सहपाठियों को ऑनलाइन क्लास में भी उनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग लेवल की पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला। इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट हम स्टूडेंट्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है। वो क्लासेस हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हैं और सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विद्यालय हरदोई में कक्षा 2 का छात्र है, और मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही ऑनलाइन शिक्षण बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे मेरा बेटा स्टडी के टच में भी है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत ही उनके टीचर्स को एक रिप्लाई करती हैं। इसके लिए मैं सभी को उनके टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। चाह रहे हैं कि ये किस तरह के चल रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, और जो एक्टिविटीज हो रही हैं क्राफ्ट की, ड्राइंग की, उसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि इन लोगों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। जैसा ही स्कूल जाके पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लोग घर में पढ़ रहे हैं। इनका जो वर्क है ऑनलाइन आ रहा है वो उसी तरह से आ रहा है, और मैम जो है इनकी क्लास टीचर मैम जो हैं और दूसरी मैम हैं वो सब बहुत अच्छे से इनको समझा रही हैं कि ये लोग घर में ही बैठे बैठे उनकी हर लेसन को, हर चैप्टर को बहुत ईजीली समझ के उस अपना वर्क कंप्लीट कर देते हैं। I would like to give my sincere thanks to all the teachers of KV and especially to the class teachers Sandhya Mehta ma'am, Anu Batra ma'am and Pragati ma'am who are conducting the Google Meet sessions. मैं कहना चाहूँगा ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही मिलकर के इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। रोज़ डेली बेसिस पे होमवर्क आते हैं, डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स आते हैं, बच्चे उनको कर रहे हैं, पूरा करके भेज रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब दैट इज़ रियली रियली गुड, आई अप्रिशिएट दैट। और सिलेबस भी काफ़ी कवर कर लिया है
बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी है और टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत करी है। मैं कक्षा 2 के वी स्कूल ममोरा में पढ़ती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत पसंद आया है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। सच बताएं तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा चल पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक टीचर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। हमें और कोऑपरेशन करना चाहिए और एवरीवन स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू तस्मै श्री गुरु।